अस्सलामुअलैकुम। तो स्वागत है आप सभी का ज्ञापन एकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 10th क्लास के उर्दू के दरक्षा की किताब से चैप्टर नंबर 10 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हाशर। देखिए, चैप्टर का नाम सुनकर आप लोगों को लग रहा होगा कि चैप्टर बहुत ज़्यादा टफ है, छोड़ो अब इसको नहीं पढ़ेंगे, चैप्टर का टाइटल ही देखकर। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, यकीन मानिए कि चैप्टर बहुत ही ज़्यादा सिंपल और बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप लोग पढ़ेंगे और आप लोगों को समझ में आएगा। बस आप लोगों को समझना ज़रूरी है, इंटरेस्ट होना चाहिए पढ़ने में। पहले ही आप चैप्टर का टाइटल मतलब देख कर नहीं हो जाइए कि ये चैप्टर अच्छा नहीं होगा। डोंट जज अ बुक बाई इट्स कवर। किसी भी किताब को उसके कवर से नहीं आंकना चाहिए, ठीक है। उसी तरह किसी भी चैप्टर के टाइटल को देखकर ये अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए कि चैप्टर अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो ये चैप्टर इतना जान लीजिए कि मजमून है। इस चैप्टर को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम इस चैप्टर के मुसन्निफ़ के बारे में जान लें, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ देता है, आप लोग जानते भी होंगे। तो देखिए, इस चैप्टर के मुसन्निफ़ यानी कि राइटर का नाम है लुत्फुर रहमान, ठीक है। और लुत्फुर रहमान के बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। देखिए, इनकी पैदाइश जो है वो छपरा ज़िला के बुनियारपुर कस्बा में 1941 ईस्वी को, जो उनका नानीहाल था। लुत्फुर रहमान की पैदाइश छपरा ज़िला के बुनियारपुर में, बुनियारपुर कस्बा में कब हुई थी? 1941 ईस्वी को, जो उनका नानीहाल था। ये जो बुनियारपुर था ना, ये लुत्फुर रहमान का नानीहाल था, नानी का घर था। लेकिन इनका जो आबाई वतन था, इनकी मातृभूमि थी, इनका रियल घर वो था रेवेंडा ज़िला दरभंगा। ये इनका घर था। भले ही ये नानीहाल में पैदा हुए, लेकिन इनका रियल घर कहाँ है, मातृभूमि, तो वो है रेवेंडा ज़िला दरभंगा, याद रखिएगा, ठीक है। इनके वालिद यानी कि इनके पिताजी का नाम है मौलवी अब्दुल गफूर, और इनके वालिदा यानी कि इनकी माँ का नाम है बीवी आमना खातून, ठीक है। और इब्तदाई तालीम बुनियारपुर में ही हुई थी। शुरुआती शिक्षा जो है ना, वो ये बुनियारपुर अपने नानी के घर ही लिए थे। और ये बचपन से ही काफ़ी ज़हीन थे, पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते थे, पढ़ाई में मग्न होकर पढ़ाई करते थे। और यही वजह है कि इन्होंने डबल एमए और पीएचडी भी किया, यहाँ तक कि एमए में गोल्ड मेडल भी हासिल की, ठीक है। और तदरीसी खिदमात का आगाज़ भागलपुर यूनिवर्सिटी से किया। इन्होंने शिक्षण सेवाओं का आगाज़, शुरुआत जो है मतलब जॉब करना बोल सकते हैं, वो भागलपुर यूनिवर्सिटी से स्टार्ट की, ठीक है। और सदर शोबे उर्दू भागलपुर यूनिवर्सिटी के अहदे पर पहुंचकर मुलाजमत से सबकदोश हुए, ठीक है। वो भागलपुर यूनिवर्सिटी का जो डिपार्टमेंट, उर्दू का डिपार्टमेंट था, वहाँ के सदर बन गए और वहाँ के प्रेसिडेंट बन गए। सदर का मतलब होता है प्रेसिडेंट, मतलब भागलपुर यूनिवर्सिटी में जो उर्दू का डिपार्टमेंट था, उस उर्दू के डिपार्टमेंट के ये सदर यानी कि प्रेसिडेंट बन गए। और वहाँ पर प्रेसिडेंट बनकर यानी कि सदर बनकर जॉब किए, और वहीं से मतलब वो सबकदोश हो गए, यानी कि उनका रिटायरमेंट हो गया, वो रिटायर हो गए, ठीक है। आगे बढ़िए, तालिब इल्मी के ज़माने से ही मज़ामीन नवेसी और शेर व शायरी से फितरी दिलचस्पी रखते थे। लुत्फुर रहमान जो थे वो तालिब इल्मी के ज़माने से, यानी कि जब वो पढ़ाई लिखाई करते थे, उनके लिखने पढ़ने के ज़माने से ही मतलब वो मज़ामीन नवेसी यानी कि निबंध लिखा करते थे और शेर व शायरी भी लिखा करते थे। उनमें काफ़ी दिलचस्पी था, यहाँ तक कि उनको सियासत में भी दिलचस्पी था, पॉलिटिक्स में, राजनीति में लुत्फुर रहमान की काफ़ी दिलचस्पी थी। वो राष्ट्रीय जनता दल के वज़ीर भी रह चुके थे, ठीक है। आगे बढ़िए, इनके 3 शायरी मजमूए के नाम आप लोगों के बुक में दिया गया है। देखिए, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ, लुत्फुर रहमान जो है ना, वो एक तनकीद निगार भी हैं। चैप्टर 10 आ गया है, मैं आप लोगों को कितना बार बताई हूँ तनकीद किसे कहते हैं। तो अब आप लोग का काम ये है कि आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि तनकीद का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो फ़िलहाल यहाँ पर समझिए, लुत्फुर रहमान जो है वो एक तनकीद निगार भी है, यानी कि तनकीद लिखा करते हैं, और उसके बाद से ये शेर व शायरी भी करते हैं, यानी कि शायर भी हैं, और ये अफसाना निगार भी है, यानी कि अफसाना यानी कि कहानी को भी लिखा करते हैं, और एक मजमून निगार भी है, मजामीन नवेसी भी किए हैं, यानी कि निबंध भी लिखे हैं। तो ये 4 चीज़ें मतलब इनकी 4 कला आप बोल सकते हैं, एक तनकीद निगारी का, एक शेर व शायरी लिखने का, और उसके बाद से एक अफसाना निगारी का, और एक मजमून निगारी का, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 3 शायरी मजमूए यानी कि इनका 3 शायरी का किताब प्रकाशित हुआ है, शाये हुआ है, ठीक है। पहला है ताजगी बरगनवा, ये जो किताब है ये मजमूआ गज़ल है, यानी कि ये गज़ल का किताब है, ये जो
ताजगी बरगनवा है, ये किताब गज़ल का किताब है, ठीक है। और दूसरा है बोसैनम, ये भी गज़ल का ही किताब है, मजमुआ गज़ल, मजमुआ मतलब होता है किताब और गज़ल तो आप लोग जानते ही हैं, तो ये गज़ल का किताब बोसैनम, ठीक है। और तीसरा जो किताब है वो है सनम आशना, ठीक है। और ये जो है ये नज़्म का किताब है, कविता का किताब है, ठीक। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया। अब देखिए इनके कुछ तनकीदी मजमूए के भी नाम आप लोगों के बुक में दिया गया है, तनकीद का किताब, तनकीद आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि तनकीद का मतलब क्या होता है, ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों को ऑलरेडी कितना बार बता चुकी हूँ। तनकीदी मजमूआ एक कुछ नाम आप लोग के बुक में दिया गया है, जैसे कि देखिए जदीदियत की जमालियत, नक़्द निगाह, नसर की शेरियात, शहर वफा वगैरह वगैरह, इनकी बहुत सारी तनकीदी किताबें भी हैं। तो ये हो गया लुत्फुर रहमान के बारे में कुछ डिटेल्स जो आप लोग को याद रखना है। अब चलिए ज़रा इस चैप्टर को हम लोग, जिसका नाम है उर्दू ड्रामा निगारी और आगा अशर, इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से और बारीकी से समझते हैं, ठीक। तो पहले ले लीजिए यहाँ तक फटाफट स्क्रीन शॉट। अब चलिए जरा इस चैप्टर को समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले आप लोग चैप्टर के टाइटल को समझिए, उर्दू ड्रामा निगारी, यानी कि इस चैप्टर में उर्दू ड्रामा निगारी के बारे में बताया गया है कि उर्दू में ड्रामा किसे कहते हैं, कैसे लिखा जाता है, और उसके साथ साथ आगा अशर के बारे में भी बताया गया है जो कि एक ड्रामा लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग जानिए कि ड्रामा किसे कहते हैं। देखिए ज़िंदगी की हकीकत, किस्सा कहानी या फिर किसी भी मौजू, किसी भी टॉपिक को नकल के ज़रिए स्टेज पर दिखा देना ही क्या कहलाता है, ड्रामा कहलाता है। ड्रामा को हिंदी में बोला जाता है नाटक, और आप लोग देखे भी होंगे ज़्यादातर, मतलब आजकल ड्रामा यानी कि नाटक देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन 26 जनवरी और 15 अगस्त को स्कूल में ड्रामा करवाया भी जाता है। तो और उसके बाद से आप लोग बोल सकते हैं ड्रामा का जो लाजमी अंसुर है, मतलब ड्रामा में सबसे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो स्टेज होता है, बिना स्टेज के आप ड्रामा दिखा ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ड्रामा का लाजमी अंसुर क्या है, तो आप बोल सकते हैं स्टेज, ठीक। अभी तो उतना आजकल ड्रामा देखने को नहीं मिल रहा है, और आप आज से बहुत साल पहले ड्रामा दिखाया जाता था, और एक तरह से लोगों की रोज़ी रोटी उसी से चलती थी, ड्रामा दिखाकर वो पैसे कमाते थे और उन्हीं से उनका मतलब रोज़गार मिलता था। लेकिन अभी फिल्म टीवी शो आ गया है, सभी के पास एक ना एक मोबाइल तो रह ही रहा है, और उसके बाद से उस मोबाइल में सब कुछ अवेलेबल है, टीवी शोज, गेम्स, जो कुछ भी फिल्म वगैरह हर चीज़। और सबसे ज़्यादा गेम्स फेमस है पबजी और फ्री फायर, उसके बाद से जो औरतें होती हैं वो सीरियल्स देखा करती हैं। तो आजकल सब कुछ मोबाइल में ही मिल जा रहा है, बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो एक तरह से देखा जाए तो कि वो लोग जो ड्रामा को दिखा दिखा कर मतलब वो पैसा कमाते थे, नाटक करके पैसा कमाकर अपनी रोज़ी रोटी चलाते थे, पेट भरते थे, वो एक तरह से बेरोज़गार हो गए हैं, उनकी रोज़गारी ख़त्म हो गई है। तो ये मतलब एक निगेटिव पॉइंट है मोबाइल आने का, जिसके वजह से लोग मोबाइल में ही बिज़ी रह रहे हैं, हर चीज़ मोबाइल में अवेलेबल है, और वो बाहर नाटक यानी कि ड्रामा देखने नहीं जा रहे हैं, और जो लोग ड्रामा दिखाते हैं वो एक तरह से बेरोज़गार हो गए हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पर वो बात नहीं कर रहे, इसलिए हम लोग आते हैं यहाँ पर। देखिए जो ड्रामा लिखता है ना उसको हम लोग बोलते हैं ड्रामा निगार, और जब ड्रामा लिखा जाता है तो उसको बोला जाता है ड्रामा निगारी। दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ड्रामा यानी कि नाटक लिखने वाला जो इंसान होता है ना उसको बोलते हैं हम लोग ड्रामा निगार, और जब ड्रामा लिखता है वो इंसान लिखने को बोला जाता है ड्रामा निगारी। तो ड्रामा निगार जो है वो है आगा अशर कश्मीरी। आगा अशर कश्मीरी क्या है, वो एक ड्रामा निगार है, ड्रामा लिखा करते हैं। और ड्रामा की बात हो और आगा अशर कश्मीरी की चर्चा ना हो उसमें, तो वो मतलब ड्रामा मतलब आप बोलिए तो किसी काम का नहीं है। मतलब ड्रामा निगार जो आगा अशर कश्मीरी है, इनको उर्दू का शेक्सपियर माना जाता है, याद रखिएगा। ये उर्दू में बहुत ही अच्छा खूबसूरत ड्रामा लिखते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस है। ड्रामा की बात करना कर रहे हैं अगर आप लोग, तो आगा अशर कश्मीरी का ज़रूर नाम लीजिएगा, क्योंकि भाई इनको उर्दू का शेक्सपियर कहा जाता है, सभी लोग इनको बहुत ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि ये मतलब यूनिक स्टाइल में और ये ज़िंदगी की हकीकत को मतलब अपने ड्रामा में सींचते हैं, ड्रामा में दिखा देते हैं, ठीक है। और इसीलिए यही वजह है कि आगा अशर कश्मीरी को उर्दू का शेक्सपियर माना जाता है, और ये बहुत ज़्यादा फेमस है। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि आगा अशर कश्मीरी से मतलब नफरत भरी नज़रों से देखते थे, जलते थे, क्योंकि आगा अशर कश्मीरी धीरे धीरे फेमस हो रहे थे। देखिए कोई भी मतलब ये सदियों से चला आ रहा है कि अगर कोई इंसान धीरे धीरे फेमस होता है ना, वो मशहूर होने लगता है, वो सफल व्यक्ति बनने लगता है धीरे धीरे, तो उसको देख कर जलने वाले कुछ लोग हो जाते हैं, जो उसकी उसको पकड़ कर उसके टांग को पकड़ कर खींचते हैं, यानी कि किसी भी तरह वो चाहते हैं कि वो इंसान जो है वो सफल ना हो,
देखकर जलने वाले कुछ ही लोग होते हैं, बाकी सभी लोग तो सपोर्ट में रहते हैं। तो यहाँ पर आगाश और कश्मीरी के साथ वही हुआ था, इन मतलब इनको बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन कुछ ही लोग थे जो इनसे देखकर जलते थे। एक तरह से ईर्ष्या बोलिए तो उनके अंदर ईर्ष्या आ गई थी, वो नहीं चाहते थे कि आगाश और कश्मीरी इस तरह से सफल हो। तो उनके कुछ बोलने ना बोलने से क्या होता है, वो तो कुछ ही लोग होते हैं। आगाश और कश्मीरी जो है वो अपने हुनर से फेमस हुए, बहुत अच्छा ड्रामा लिखते थे। और उसके बाद से देखिए आगाश और कश्मीरी जो है ना, ये ड्रामा निगारी का आगाज़ यानी कि ड्रामा लिखने की शुरुआत जो है ना वो 1901 ईस्वी से की है, 1901 से। और उस वक्त जो है सर सैयद अहमद खां की तहरीक चल रही थी। सर सैयद अहमद खां आप लोग जानते हैं, सर सैयद अहमद खां ही वो एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने हम लोगों को मतलब उर्दू पढ़ाने लिखाने का सबसे बड़ा अहम योगदान है। अगर सर सैयद अहमद खां नहीं रहते ना तो आज हम लोग उर्दू ना ही पढ़ पाते, ना ही सीख पाते और ना ही जान पाते। जो भी हम लोग उर्दू में बातें करते हैं, उर्दू पढ़ पाते हैं, सिर्फ और सिर्फ सर सैयद अहमद खां की वजह से। इन्हीं की तहरीक थी, इन क्या नाम था उस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन्होंने खोला था, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ही मतलब लोगों को मोटिवेट कर रहे थे कि आकर जितने भी लोग हैं वो उर्दू इसमें पढ़ें, और इनका अहम योगदान है उर्दू को पढ़ाने का। तो यही सर सैयद अहमद खां तहरीक चलाए थे उस वक्त, उर्दू को पढ़ाने लिखाने का आंदोलन चलाए थे। तो उस वक्त उसी वक्त 1901 ईस्वी में आगाश और कश्मीरी जो है वो ड्रामा लिखना शुरू किए थे। और इसके मतलब बात करें इसके अलावा, लखनऊ में एक शाही स्टेज बोल सकते हैं, शाही स्टेज था, और वहाँ पर भी परियों की और उसके बाद से भूत प्रेत चुड़ैल वगैरह की ड्रामा दिखाया जाता था। लेकिन जब से आगाश और कश्मीरी 1901 ईस्वी से ड्रामा लिखना शुरू किए तो यही फेमस हो गए, ठीक है। और आगाश और कश्मीरी के अलावा कुछ और भी लोग हैं जो ड्रामा लिखे हैं, लेकिन आगाश और कश्मीरी की तरह ये इतना फेमस नहीं हो पाए हैं। देखिए नाम देख लीजिए इनका, बेताब दहलवी और एहसन लखनवी, ये जो है ये भी ड्रामा लिखा करते हैं, ठीक। और आगाश और कश्मीरी की कुछ ड्रामों के नाम आप लोगों के बुक में दिया गया है, जैसे कि असीर हिर्स, शहीद नाज, मारे आस्तीन, ख्वाब हस्ती, खूबसूरत बला, यहूदी की लड़की, रुस्तम व सोहराब और सिल्वर किंग वगैरह वगैरह। इनकी बहुत सारी ड्रामा है, लेकिन यहाँ पर कुछ ड्रामा का नाम दे दिया गया, आप लोग याद रखिएगा, बाकी सब कुछ भूल जाइएगा, ये दोनों याद रखिएगा, रुस्तम व सोहराब और सिल्वर किंग, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई थिंक जो कुछ भी देखिए इसके अलावा आप लोगों के बुक में कुछ दिया भी नहीं है, लंबा चौड़ा बातें की गई है। और उसके बाद से ये मतलब आप बोल सकते हैं कि बस इतना ही आप लोगों के चैप्टर में बताया गया है। अब आप लोग बताइए क्या ये चैप्टर टफ था, बस इसको समझने की देर थी। इंटरेस्ट होना चाहिए पढ़ाई में, हर चीज़ आसान है, बस उसको समझना ज़रूरी है, उसमें दिमाग लगाइए आप लोग। तो बस इतना ही है आप लोगों के चैप्टर में, चैप्टर आप लोग का कंप्लीट। कोई भी कंफ्यूजन हो इस चैप्टर से रिलेटेड आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप लोग लाइक शेयर वगैरह कर रहे हैं कि नहीं, वीडियो को लाइक शेयर वगैरह ज़रूर कीजिएगा। और उसके बाद से अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मेरी रोज़ आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।